सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉट, ठीक है। नॉट गेट्स क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। यह एक ऐसा गेट है जो केवल एक इनपुट सिग्नल लेता है तथा उसी के बेस पर एक आउटपुट सिग्नल देता है, ठीक है। और ये करेगा क्या, जो भी हमारा सिग्नल सिंपल इनपुट होगा वो उसी को अपोजिट करेगा, यानी कि उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। हाँ, दो वेरिएबल के लिए करेंगे हम तो ऐसे लगा लेंगे, अगर तीन वेरिएबल के लिए तो ऐसे लगा देंगे। ये है इसका सिंबल, ठीक है। इसका यूज देख लेते हैं। जैसे कि हमने दो वैल्यू ले ली, ठीक, कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हमारा एक्स, क्योंकि ये आपका इन्वर्टर है, ठीक है। हम इसे एक्स नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ जीरो होगा यहाँ पर आ जाएगा जीरो वन जीरो, ठीक है। तो जहाँ जीरो होगा वन, जहाँ वन होगा जीरो, जहाँ जीरो होगा वन, ठीक है। ये इसका तरीका है। इसके बाद में आएगा हमारा दूसरा और लॉजिक, ठीक है। ये इसमें क्या था, केवल एक सिग्नल दे रहा था, एक सिग्नल इनपुट, उसी के बेस पर एक सिग्नल आउटपुट करेगा, ठीक, ठीक है। इसमें क्या है, केवल एक सिग्नल लेगा और एक सिग्नल ही आउटपुट देगा, ठीक है। लेकिन और में क्या है, इसमें दो, ये दो से अधिक सिग्नल लेता है और सिंपली में जो होगा वो दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल लेगा और उसी की बेस पर ये आउटपुट सिग्नल देगा, ठीक है। और इसमें क्या है, यदि आपका इनपुट सिग्नल वन है या ट्रू है या हाई है, तब आउट का जो आउटपुट होगा वो वन ही होगा, ठीक है। पहले इसका सैंपल देख लेते हैं। इसका सैंपल किस प्रकार से है, ये तो दो वेरिएबल के लिए ले रहे हैं। इसका वो बना के दिखाती हूँ आपको टेबल। जैसे कि हमें गया वैल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसका निकालेंगे, इसका क्या निकलेगा, जीरो जीरो जीरो, क्योंकि एक भी सिग्नल आपका ट्रू नहीं है, ठीक है। इसमें एक सिग्नल ट्रू आ रहा है तो वन आ जाएगा, इसमें भी आपका एक आ रहा है तो वन आ जाएगा, इसमें भी आपका दो ट्रू आ रहा है तो वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आई आपको, अगर आपका एक भी सिग्नल ट्रू है तो आपका जो टोटल होगा वो वन हो जाएगा। इसका सिंबल का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड,